आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वो डॉक्टर ने कहा मैं, अरे क्या बकरे की तरह मैं किए जा रही है, बोलना। अरे तुम लोग आपस में ही बातें करते रहोगे कि हमें भी बताओगे कि हुआ क्या है? मुबारक हो मां, घर में नया मेहमान आ रहा है। आलू के पराठे। मैं नहीं खा रही, मैं तो डाइट कर रही हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैडम हमें भी सेवा का मौका दीजिए। क्या बात है एसीपी अविनाश, पत्नी की सेवा में ही मेवा है। सेवा करने का इतना ही शौक है तो आप भी खाना बना लिया करिए ना। क्या मैं? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक था। एक नंबर के लिए पूछा नहीं, सुबह से तीन बार पूछ चुकी हूँ, जब आएगा बता दूंगी, सब्र रखो। सब्र ही तो नहीं हो रहा। आरती लाई हूँ। लगता है नए नेबर शिफ्ट हुए हैं। माँ आपको पता है उस विंग में ना मेरी एक फ्रेंड रहती है, बता रही थी कि जो नए लोग शिफ्ट हुए हैं वो बांदाब से आए हैं। आप क्या कर रहे हैं? हमारे सारे हथियार क्यों छुपा रहे हैं? क्योंकि हमारी जंग खत्म हो चुकी है सभी, हमें इन हथियारों की कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं चाहता कि ये हथियार किसी गलत हाथ में पड़े। लेकिन डैड हम रीवावंशी हैं, हमारे धर्म और कर्म का क्या? मैं हमारे धर्म और कर्म भूला नहीं हूँ सभी, और ना ही ये भूला हूँ कि हथियार जिस पर चलाए जाते हैं उसे तो चोट पहुँचती है, और जो चलाता है उसे भी चोट पहुँचती है। मैं दिव्या को खो चुका हूँ, वो भी दो बार, पर तुम दोनों को भी खोने वाला था। अगर एक रीवावंशी होने का मतलब यह है कि मैं बार बार अपनी बेटियों की जिंदगी खतरे में डालता रहूंगा, तो नहीं, मुझे रीवावंशी बने रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन बाबा हम प्लीज गुड़िया, मैं एक रीवावंशी जरूर हूं लेकिन एक बाप भी हूं, और एक आम बाप की तरह अपनी बेटियों के साथ एक आम जिंदगी जीना चाहता हूं। इतना तो आ गया ना मुझे।
देखूंगी ना। भाभी अब ठीक तो है? हाँ। कौन था ये? तमीज? छोड़ो ना नेहा, शायद हमारा नया नेबर होगा। चल। अरे भाभी भाभी, वो आपकी उठा रही है, वो सब मैं कर देती हूँ। अरे आपने ये बताइए ना, फोन आया? ओ नेहा, तुम दोनों भाई बहन कितने क्यूरियस हो। अरे लेकिन जब आएगा तब बता दूंगी ना। अब चलो घर चलो, उससे पहले वो सनकी ड्राइवर वापस आ जाए। चलो डोला। क्या हुआ डोला? कल तो बड़ा हंस रहे थे, आज तेरी हंसी कहाँ गायब हो गई? क्या कहा था तूने? आज तेरे पास आखिरी मौका है, लेकिन अफसोस तू कुछ नहीं कर पाएगी, ना अंश को हासिल कर पाएगी और ना ही अपनी उम्र बढ़ा पाएगी। और मैंने क्या कहा था? मोहना कभी हार नहीं मानती। तू तो मुझे वहां बांध के मरने के लिए छोड़ के चली आई थी, लेकिन देख अभी तक मैं जिंदा हूं। कितनी भोली है तू छुटकी, तुझे ये नहीं पता तू जिंदा तो है, लेकिन तेरी ये जिंदगी सिर्फ 4 दिन की चांदनी है। 4 दिन की चांदनी नहीं, 400 साल। क्योंकि अब मैं सिर्फ एक तारन नहीं, सर्पिका भी हूं। वाह, तू भी ना छुटकी जरा सी बात पे उड़ने लगती है। मैंने कहा था ना, मौत को कोई नहीं हरा सकता। तुझे क्या लगता है तू सर्पिका की शक्तियां पाकर मौत को टाल लेगी? तेरी मौत कब, कहां और किसके हाथों लिखी है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं, क्योंकि मेरे पास तेरी डायन कुंडली है जो माँ ने मुझे सौंपी थी। अपनी कुंडली देखना चाहेगी? क्या हुआ, सर्पिका को सांप सूंघ गया क्या? चलो कोई बात नहीं, तू मेरी छोटी बहन जो है, इतना एहसान तो कर ही सकती हूँ तेरे पर। तुझे बता ही देती हूँ कि तेरी कुंडली में क्या लिखा है। देख छुटकी, तेरी कुंडली में तेरी मौत का राज छुपा हुआ है। तो ये सोचकर खुश हो रही थी ना कि सर्पिका की शक्तियां पाकर तेरी उम्र 4 गुना बढ़ गई है, लेकिन तेरी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि तेरी मौत तेरे किसी अपने के हाथों ही होगी। तेरा अपना खून ही तुझे मारेगा, तेरा अंत तेरे बेटे की संतान के हाथों होगा। अंश की संतान ही तेरा काल बन के आएगी। पिया क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? या बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ भाभी, सेना। भाभी बस हो गई एक्साइटमेंट, बताइए ना। हाँ भाभी, वो डॉक्टर ने कहा मैं, अरे क्या बकरी की तरह मैं किए जा रही है, बोल ना। सजना
तुम लोग आपस में ही बातें करते रहोगे कि हमें भी बताओगे कि हुआ क्या है? मुबारक हो माँ, घर में नया मेहमान आ रहा है। अरे वाह! ये लो, स्पीकर पर डाल दिया, सावी भी सुन रही है। बोलो अब क्या बोलना। हेलो बाबा। हाँ? आप नाना बनने वाले हैं। गुड़िया, तुम नहीं जानती तुमने ये कहकर मुझे कितनी खुशी दी। पिछले कुछ दिनों में तुमने और अंश ने न जाने कितने इम्तिहान दिए, लेकिन अब और कोई इम्तिहान नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब तुम दोनों की जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी बेटा। दी, ये तो सबसे बिगेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन गुड़िया बेटा, आई एम रियली सॉरी, ऐसे वक्त में मुझे तुम दोनों के साथ होना चाहिए, और कि मुझे इस रिसर्च के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। या नीचे पंडित जी बुला रहे हैं। जी माँ, बस बाबा से बात कर रही हूँ, जल्दी आ जा। जी हेलो बाबा, मैं अभी फोन रखती हूँ, और आप जल्दी जाइए और जल्दी वापस आ जाइए। ओके बेटा। मैंने तो डिसाइड कर लिया कि आपका होने वाला बेबी मुझे बुआ नहीं बुलाएगा। आई मीन बुआ इज टू ओल्ड एंड आई एम सो यंग। ब्रेंडन भाई, वैसे बेबीज के मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकलते हैं ना, वो या तो माँ होते हैं या पापा, लेकिन तेरे बेबी के मुंह से फर्स्ट वर्ड कौन से निकलेंगे? पंडित जी, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है हमारे घर में, हमें कुछ खास करना चाहिए ना, उपवास करना चाहिए। भाभी आप भी ना, मैं लड्डू बनाने की सोच रही हूँ और आप उपवास करने की बात कर रही है। चैताली, उपवास नहीं, खास खास करना चाहिए। खास मतलब सेलिब्रेशन। चैताली जिसमें सब लोग आए, दोस्त रिश्तेदार सब लोग। अरे सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं अविनाश, इस खुशखबरी को तो पूरी दुनिया में धूमधाम से बताना चाहिए। आखिर लोगों को पता चले कि शेखर राठौड़ के परिवार का नया अंश आने वाला है। उत्सव अवश्य मनाइएगा शेखर जी, परंतु कुछ दिनों के बाद, और आज रात तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों पंडित जी? क्योंकि अभी रक्त चंद्र का प्रभाव शेष है, अब हमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब तक रक्त चंद्र का प्रभाव रहेगा पिया कुलक सकती है। नसर, नसर, नसर। नसर? For such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.